मेरा बाजू थक गया ना, लेकिन साग खाना इतना आसान नहीं है। मक्खन दा पेड़ा होवे, सरसों दा, जब देखो ये घी के डिब्बे को चिपटी होती है और चम्मच के साथ खा लेती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रखे और आपको उन सब के बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे, और अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी हम सबको अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी हरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स, मैं एक बात यही करना चाहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक जरूर किया करें कमेंट्स के साथ साथ, और मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। मैं भी तसल्ली के साथ, बेटी के साथ, प्रोड्यूसर के साथ बैठकर मैं सारी वीडियो देखती हूँ, तसल्ली से देखती हूँ, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं एक दूसरे को अगर हम इस तरह करेंगे सपोर्ट तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो वरना फिर क्या हो सकता है, फिर अल्लाह मालिक है। तो अपनी तरफ से तो पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करें। तो कमेंट्स तो चले ठीक होते हैं, लेकिन जो जो यूट्यूब का मकसद है कि आपने उसको हमारे व्यूज बढ़े, हमारे जो लाइक्स हो, जो उनकी डिमांड है, तो वो तो होनी चाहिए ना सबके लिए। मैं अपने के साथ भी सबके लिए सबकी बात कर रही हूँ कि सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चले, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह करेंगे। तो भी बस, अब असल में बात ये थी कि मैंने उस दिन बना लिया साग, साग मैंने बना लिया, मैंने कहा चले साग की मैंने तैयारी कर ली, मैंने कहा मकई का आटा भी मैंने हर शॉप से पता कर लिया। वो कह रहे अभी अभी तो साग भी कहीं दूर दूर सुन रहे हैं तो आप मकई का आटा ढूंढ रहे हैं। बहरहाल साग तो मैंने जबरदस्ती किसी से मंगवा लिया था, तो वो तो मैंने पका लिया था, वो भी मैंने आपको पका के ना वो गंदम की रोटी के साथ आपको दिखाया था, और बाकी मैंने फ्रीज कर लिया था साग को। अब मुझे मिला है आज मकई का आटा, तो मैंने कहा उसके साथ हमने आज साग खाना है, तो मैंने कहा चले मैं ना आज जो रोटियां बनानी है ना वो आपके साथ शेयर करूं। आटे में थोड़ा सा एक मुट्ठी भर ना गंदम का आटा डाल ले, तो ये फ्रेश ही है कई का आटा, ताजा ताजा ही है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है मैदे की तरह। और इसको ऐसे नीम गर्म पानी से इसको गूंदूंगी और एक एक पेड़ा गूंदूंगी और पकाऊंगी, और इसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी, उसके साथ जो रोटी होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो चले मैं बिस्मिल्लाह करने डालने लगी हूँ ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैं ऑयल डालूंगी, उससे जरा रोटी सो, ये देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिए, चले मिक्स करके तो फिर रख दूंगी, फिर थोड़ा थोड़ा इसको एक एक पेड़ा फिर मैं करूंगी। साग वो गंदू की रोटी से मक्खन लगा के भी मज़े की लगी थी, लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं ना नीम गर्म पानी से ही इसको मल मल के एक एक रोटी को, बिस्मिल्लाह। हमने अपनी वालदा को इसी तरह देखा बनाते हुए और अब इसी तरह मैं बना रही हूँ। ये देखे ये। एक एक पेड़ा ही बनाऊंगी मैं,
बिस्मिल्लाह मनी तो गोल है देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह ये देखिए माँ जी के हाथ का साग और माँ जी के हाथ की मकई की रोटी और वो भी हाथ से हाथ से बेली सर जी क्योंकि मैंने उतनी देर साग रखे रखा मैंने कहा नहीं जितनी देर मकई का आटा नहीं आएगा तो मैंने नहीं खानी बिस्मिल्लाह मैं इससे भी बड़ी बना सकती हूँ लेकिन मैंने आज कहा मैंने कहा ये बहना जरा छोटे साइज में बनाओ इससे भी बड़ी बना सकती हूँ रही हूँ कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है मक्खन दा पेड़ा होवे सरसों दा साग होवे मक्खन मकई दी रोटी होवे सरों दा साग होवे उत्ते होवे मक्खन दा पेड़ा मक्खन वो मक्खन तो गए जो हमने बचपन में खाए थे आप यकीन करें कि मैंने इतना देसी घी खाया हुआ है कि मेरी अम्मी जो थी ना सब अपने घर वालों में से मेरे भी पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी हरकतें थी जिसको क्या देसी घी होते थे सब्ज रंग के होते थे ऐसे प्यारे खुशबू तो मैं तो वो ना रूखा ही इतना इतना चम्मच के साथ खा जाती थी तो मेरी अम्मी कहती थी ये आलम या मैं ये घी का डिब्बा कहाँ छुपा के रखू ये जब देखो ये घी के डिब्बे को चिपटी होती है और चम्मच के साथ खा लेती थी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरी माशाल्लाह दूसरी रोटी तैयार होने लगी है वो भी मैंने सारी खास से बनाऊ मैं इसको थोड़ा सा घी लगाती हूँ इसे लगा कर दे मेरा बाजू थक गया ना अनबैलेंस की वजह से तो वीवर पहली माँ जी है ना वो ऐसे पकाती थी मकई की रोटी ये देखे उसके साथ पूरा ताकत के साथ उस आटे को एक हाथ से गूंदना होता है कहते हैं ना दाल साग दाम तो उसका हल्का सा लिया जाता है दाल साग चले दाल को तो हम कह देते हैं कुल लेकिन साग खाना इतना आसान नहीं है साग के साथ जितनी देर पूरे लवाजमात ना हो तो साग साग की बेचारे की इंसल्ट है अब ये देखे मैं मेहनत कर रही हूं सिर्फ इस रोटी है आप व्यूअर्स के लिए ये इतनी मेहनत कर रही हूं कि आप सारी देखे मैं कैसे बना रही हूं और इसमें ये ना समझे कि सारी हमने खा ले रही है ये सुबह साग और ठंडी रोटी मैंने सुबह के लिए भी रोटी पका ली है नाश्ते में कि ये ना साग के साथ बहुत मजे की लगेगी ठंडी रोटी ये देखिए अब ये मेरा आखिरी चल पूरी ताकत के साथ सर्दियों में देखिए अभी बस पसीना आ गया हुआ है सर्दियों में पसीने में बिल्कुल भीगी हूँ क्योंकि बीपी जो है इतना बीपी हो जाता है अभी भी मैं रात को फुल पंखा लगा के सोती हूँ आपको यकीन नहीं आएगा प्रोड्यूसर ने कंबल लिया होता है
और मैं पंखे में पड़ी होती, वो चीखे मारती है सर्दी लग रही है, तो मैं कहती हूँ फिर मैं क्या कर सकती हूँ। चले ये देखिए अभी ट्रे पर छोटा पड़ गया। ये मेरी आखिरी रोटी है और आखिरी वाली थोड़ी सी बड़ी बनी है, इससे भी बड़ी बना सकती थी क्योंकि फ्राई पैन के हिसाब से थी। तो चलिए आज मैंने इसको फ्राई पैन में बनाया है। तो ये मैंने सुबह की, मैंने आप करता है मैंने सुबह के लिए भी बना ली है साग और मकई की रोटी, ये बड़ी रोटी देखे। तो व्यूअर्स ये देखे मैंने माशाल्लाह ये मकई की रोटियां बना ली है, आपसे बनाई है। ये देखे बैग भी और ये भी देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये मैंने रोटियां बनाई हैं, आपको बताया है कि ये मैंने सुबह के लिए भी बना ली है, नाश्ते में मैं ये खाऊंगी और उसके बाद ये आपके लिए भी है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी हाथ की बनी रोटियां बहुत पसंद आएंगी और आप भी ट्राई करेंगे, क्योंकि साग अब आम हो गया है, बहुत मुश्किल से साग मंगवाया था, अब आटा भी आम मिलने लग गया। तो मेरी प्यारी बहनों बेटियों देखिए आपको माँ जी की हाथ की रोटी बहुत पसंद आएगी, मैंने हाथ से बनाई है, पूरे जोर से लगा लगा के आटा मल मल के बनाई है, मुझे तो पसीने आ गए। दूसरी बात यह है कि मैं शेल्फ पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत वहमी है कि कोई कीड़ा वगैरह ना फिर गया हो यहाँ से, वरना मैं मेरी बैलेंस जो था ना वो शेल्फ पे तो होना था, लेकिन मैंने परात में वो ऊंचाई थी और मेरा हाथ नीचे था, बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा ये आटा मैंने गूंदा, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, मैंने आपको हिम्मत दिलानी थी कि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता अगर इंसान इरादा कर ले करने का। तो देखिये लाजमी टूट भी जाती है और इतनी गोल भी नहीं बनती है, देखिए मैंने गोल भी बनाई है और साथ टूटी भी नहीं है। बस दीजिए मुझे अच्छी मेरी मुझे बताइए कि माँ जी ने अच्छी बनाई है, नए व्यूवर्स पुराने व्यूवर्स सब इस तरह देखे ट्राई करें कोशिश करें और हाथ से मल के आटा जो है था वो उसकी रोटी बनाए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें और एक चुटकी थोड़ा सा एक मुट्ठी आटे की डाल लें, अगर आपने चार पांच रोटियां बनानी है फिर वो उससे जरा लचक आ जाएगी। तो प्लीज इसमें मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने कैसी बनाई है। आज यही किचन में ही एंड कर रही हूँ, ये देखिए मैं आज किचन में ही एंड कर रही हूँ, तो मुझे दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।